क्या है, जो भाजपा की पार्टी के जो सांसद है, राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी, उनके विरुद्ध हमने एक परिवाद पेश किया है। उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था 5 जुलाई 2019 को वेब ब्यूरो आउटलुक में, उन्होंने जब ये बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी उस दौरान उन्होंने मीडिया को मुखातिब होकर उन्होंने वक्तव्य, राहुल गांधी जी हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ और विधि विभाग का अध्यक्ष हूँ, हमारी माननीय राहुल गांधी जी में बहुत आस्था है, पूरे अजमेर के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, भारत के सारे पदाधिकारियों की, आम जन की, क्योंकि वो ना सिर्फ आम जन, इंडिया के आम जन में वो अपने हृदयों में बसते हैं राहुल गांधी जी, बल्कि विदेश में जो नागरिक हैं उनमें भी उनकी बहुत प्रतिष्ठा है। तो उन राहुल गांधी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके विरुद्ध में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो बिना किसी आधार का था। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं और कोकीन का सेवन करते हैं, जिनका डॉप टेस्ट करवाया जाना चाहिए, जो डॉप टेस्ट में फेल हो जाएंगे। उनका मकसद ये था कि राहुल गांधी जी को उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से नशेड़ी बताया और पूरी कांग्रेस पार्टी पे, राहुल गांधी जी की पार्टी पे उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए जानबूझकर उन्होंने कभी क्या राहुल गांधी जी को देखा है, किसी ने आज तक नहीं देखा कि इस तरह की कोई भी ऐसी बात को लेकर वो किस तरह बिना सबूत के आधार पर ऐसा एलिगेशन लगा सकते हैं और सार्वजनिक रूप से। ये बहुत गंभीर आपराधिक कृत्य है। पूर्व में भी वो हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, पूर्व अध्यक्षा प्रियंका गांधी जी और पदाधिकारी जानबूझ के वो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं मीडिया में, अपनी इमेज बनाने के लिए और मीडिया में मतलब कैसे वो हाईलाइट हो, किस तरह से उनकी न्यूज़ की खबरें छपे, उसमें वो शिकार बनाते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और इन लोगों को, जिससे पूरा हमारा जो 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 भी राहुल गांधी जी से जुड़े हुए हैं, पूरा कांग्रेस परिवार, कांग्रेस समाज, हम लोग बहुत आहत हुए हैं। उन्होंने जो मानहानि करी है हमारे राहुल गांधी जी की और जो आपराधिक कृत्य किया है, अगर हमारे में थोड़ी सी भी अगर वैमनस्यता, इस तरह की अगर उत्तेजित अगर हम हो जाएं तो कानून हाथ में ले लें और पता नहीं जगह जगह क्या गाड़ी आग लगा दें, क्या क्या कर दें। तो उन्होंने ऐसा एक प्रयास किया कि लोग, भारत के नागरिक जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुँचे, भावनाओं को ठेस पहुँचे और लोग अपराध कानून को हाथ में लेते हुए आपराधिक कार्रवाई को अंजाम देवें। तो ये बहुत उन्होंने ना सिर्फ मानहानि करी है, हमारे को भी लोगों ने जो भाजपा पार्टी के जुड़े हुए हैं, जो अन्य लोग हैं, वो पूछने लग गए कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष क्या कोकीन लेते हैं, तो ये कैसा वक्तव्य उन्होंने दिया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। और कोर्ट से हमने ACJM 3 न्यायालय में आज परिवाद दायर किया है, हमने परिवाद जो दायर किया है धारा 501, 502 है, 504, 502, 511, तो हमने कोर्ट से यही गुहार की है कि इनके खिलाफ कॉग्निजेंस लें और उनको दंडित किया जावे आपराधिक कृत्य के लिए, जो उन्होंने ये मानहानि करी है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। वैभव जैन, शहर जिला कांग्रेस कमेटी महासचिव और विधि विभाग अध्यक्ष।